दोस्तों मारुति सुजुकी एक और कार को सीएनजी वेरिएंट में ला रही है और ये कार है मारुति ग्रैंड विटारा सीएनजी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएनजी वाली ग्रैंड विटारा को इसी साल लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर को सीएनजी में लॉन्च किए जाने के बाद इस बात की काफी ज्यादा संभावना हो गई है कि मारुति की ओर से भी ग्रैंड विटारा को जल्द ही सीएनजी में लाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से ग्रैंड विटारा को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से ग्रैंड विटारा सीएनजी के साथ 1.5 लीटर के सीरीज 15 माइल हाइब्रिड इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे एसयूवी को 88 बीएचपी की पावर और 98.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, लेकिन सीएनजी मोड में चलाने पर 15 हॉर्स पावर और 38 न्यूटन मीटर कम ताकत मिलेगी। इंजन को 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही लाया जा सकता है। यही इंजन मारुति की ओर से फिलहाल आर्टिगा और XL6 सीएनजी में भी इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी की ओर से इसकी कीमत के बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी ग्रैंड विटारा की एक शोरूम कीमत करीब 80,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक ज्यादा हो सकती है। मौजूदा समय में ये मिड साइज एसयूवी की एक शोरूम कीमत शुरुआत होती है 10.45 लाख रुपये से और इसकी टॉप वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 19.49 लाख रुपये। विटारा सीएनजी के बारे में आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।